एक झारखंड नगर पालिका विधेयक संशोधन विधेयक 2022, इस विधेयक के माध्यम से इन्होंने जो प्रस्ताव किया है वो चक्रानुक्रम जो रोटेशन प्रणाली है प्रतिनिधित्व का, तो उसको हटा करके जनसंख्या के आधार पर करने का इन्होंने निर्णय लिया है। हम लोगों ने इसको प्रवर समिति पर बैठने का मांग किया था, संशोधन दिया था, और हमने इसके बिल के आने के पीछे के कारण को बताया। 2011 में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार यहाँ लगातार महापौर और उप महापौर का चुनाव होता है, और लगातार 3 बार से रांची में भी हो रहा था, एसटी का सीट था, और पूरे झारखंड प्रदेश में 10 सालों के बाद चेंज करने का जो नियम था उसके अनुसार यह सीट जो है वो एससी के लिए आ गया था। एससी के आने के साथ ही इस सरकार ने जो अपने से इसको लाया था, सरकार के कैबिनेट में डिसीजन हुआ, 2 साल कोरोना के चलते यह नगर पालिका की चुनाव रुकी रही, फिर सरकार ने, इसी सरकार ने, कोई एससी समुदाय से या अनुसूचित जाति वर्ग से कोई डिमांड नहीं था, इस सरकार ने कैबिनेट में पास कराया। कैबिनेट में पास कराने के बाद महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजा, और राज्यपाल जी से समर्थन मैंने कि उनसे सहमति मिलने के बाद चुनाव आयोग ने आरक्षण का जो रोटेशन प्रणाली के माध्यम से जो आरक्षित सीट थी उसको जनमानस के लिए, जनता के लिए उन्होंने प्रकाशित किया। जैसे ही यह सरकार के द्वारा एससी सीट किया गया, सरकार के ही द्वारा प्रायोजित इससे में विरोध कराया गया, और फिर सरकार ने इसे हटा करके फिर वापस एससी को कर दिया। मेरा ये कहना है 50 लाख रहने वाले यहाँ एससी समुदाय के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे, आपने पहले इच्छा जागृत करी, आपने उनके मान सम्मान अभिमान को पहले और सम्मान करने के लिए आपने दिया, और फिर उनके मुँह के हलक से आपने उसको निकाल लिया। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।